और आइए अब यूपी के 8 सीटों के घमासान की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं। पहले चरण में यूपी के सहारनपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में कल वोटिंग होने वाली है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी कल ही मतदान हो जाएगा। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आपको ये भी बताएं कि पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूपी में बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला है, तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और अब कल का इंतजार है, जब ईवीएम मशीन के अंदर उन लोगों की किस्मत कैद हो जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर होने वाले मतदान उम्मीदवारों की और उत्तराखंड में 5 सीटों पर होने वाले मतदान उम्मीदवारों की कल ईवीएम में किस्मत हो जाएगी कैद। और आइए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन सी 8 सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में। कल 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी मतदान होना है, जिसमें आपको बताते हैं एक एक सीट का हाल, किस सीट से कितने कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पीलीभीत का सबसे पहले जानिए। पीलीभीत में कुल उम्मीदवार 10 हैं। सहारनपुर में कुल उम्मीदवार 10 हैं। किराना से आप बात करते हैं तो यहां पर 14 उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरनगर से कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिजनौर में 11 उम्मीदवार, नगीना में कुल 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। और रामपुर की आप बात करते हैं तो यहां से 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और देखिए अब इन सभी उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला काफी कड़क बताया जा रहा है। 8 सीटों पर कल, 80 में से 8 सीटों पर कल मतदान हो जाएगा, जिसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं ये सभी लोग, जिनके लिए कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तो पहले चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण कल, जिस पर अब आपने जान ये लिया है कि कितने कैंडिडेट्स के बीच में किस सीट पर मुकाबला है। अब आपको मुद्दे बता देते हैं कि वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर कल वोटिंग होने वाली है। जनता इन मुद्दों को ही ध्यान में रख के वोटिंग करने वाली है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुद्दों की आप बात करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बाद गन्ने के भुगतान का प्रमुख मुद्दा आप कह सकते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिमाग में इस बात को रखते हुए गन्ने के भुगतान को वोटिंग करने के लिए जाएगी। चौधरी चरण सिंह को सम्मान जो दिया गया है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। सीएए का मुद्दा भी काफी अहम है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कल वोटिंग होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 370, ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला बीजेपी सरकार का 2019 के चुनाव में लिया गया था, जिस पर अमल किया गया, और 370 धारा जिसके ऊपर काम किया गया। विकास का मुद्दा, ये है प्रमुख एजेंडा बीजेपी एनडीए का, जिस पर आगे काम करने का भी वादा किया गया है। राम मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। उत्तर प्रदेश के लोग इस मुद्दे को अपने दिमाग में रख के वोट करने के लिए कल जाने वाले। और सबसे हटके रोजगार का वो मुद्दा है जो सबसे प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है, जिस पर कल होनी है वोटिंग। और आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। किराना से हमारे साथ शाहनवाज है, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ विनेश पवार है, रामपुर से हमारे साथ विशाल सक्सेना है, हल्द्वानी से हमारे साथ शैलेंद्र हैं। एक एक करके सबके पास चलेंगे और कल की तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले चलते हैं किराना, शाहनवाज हमारे साथ है किराना से। शाहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम आबादी, मतलब मुस्लिम आबादी तय करती है जीत हार कैंडिडेट की। कल यहां मतदान होना है, कैसी तैयारियां कर ली गई हैं, लोगों के मन में कैसा उत्साह बना हुआ है, कल इस उत्सव का आगाज होने वाला है, कल कैराना में मतदान होने वाला है। शाहनवाज, तैयारियां पूरी कर ली गई है। पश्चिमी यूपी में कैराना लोकसभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1750 मतदान केंद्र है, 845 जो है मतदान सेंटरों पर जो है पोलिंग पार्टी आज रवाना की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाए किस तरह से जो है, मैं इस वक्त मंडी है, स्प्रिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासन द्वारा, जो है सुरक्षा व्यवस्था के अक्टूबर में इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैराना लोकसभा सीट है उसे जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और जो समीकरण है मुस्लिम बाहुल्य सीट जो है कैराना को भी कहा जाता है। डीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आज किस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह की जो है तैयारी मतदान केंद्र जो है कोई भी पार्टी को भेजने के लिए। डीएम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इन बोली पे, और ये बताइए कि कारोबार पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने पोलिंग सेंटर से कितने जो है पोलिंग सेंटर पर पार्टियों को भेज दिया गया है।
ठीक है शाहनवाज, मैं आऊंगी आपके पास। मुजफ्फरनगर चलेंगे जहां से बिनेश पवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं जल्दी से अपडेट। बिनेश, आपके पीछे काफी जनता हम देख सकते हैं, मुद्दे तय कर लिए गए होंगे कल मतदान करने के लिए। मुजफ्फरनगर के अपने मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करने जाएंगे। सबसे पहले आप तैयारियां बता दीजिए, कल की तैयारी कैसी है, और यहां पर जिस तरह से उम्मीदवार काफी उत्सुक हैं कल चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, वैसे ही मुजफ्फरनगर वासी भी काफी उत्सुक होंगे पहले चरण के मतदान के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। नवीन मंडी स्थल पर मैं मौजूद हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, जो पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां, जो पूरी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, जो कल चुनाव होगा पहले चरण का मुजफ्फरनगर में, उसी को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर बेहद उत्साह है और कई तरह के मुद्दे भी इस बार मुजफ्फरनगर में है, जो आम मुद्दे हैं जैसे रोजगार को लेकर हुआ या किसानों की विभिन्न समस्याओं को लिया, वो तो मुद्दा है ही। इसके अलावा इस बार मुजफ्फरनगर का जो चुनाव है, इस बार अलग रोचक इसलिए भी हो जाता है कि मुजफ्फरनगर में देखते ही देखते, जैसे ही शुरुआत में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे, लग रहा था चुनाव एक तरफा जाएगा, मगर चुनाव देखते ही देखते त्रिकोणीय हो चुका है, जहां एक तरफ मायावती ने भी अपना जो कैंडिडेट उतारा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट वहां खिसकता दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा मुकाबला बड़ा रोचक होगा। मुजफ्फरनगर कल के चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर मैं बात करूंगा, मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जी, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, एडीएम हमारे साथ है, एडीएम सर आपका स्वागत है, क्या क्या तैयारियां की गई है कल के चुनाव के लिए और किस तरह से यहाँ पार्टी रवाना की जा रही है? ठीक है बिनेश, तैयारियां कल के लिए पूरी कर ली गई हैं और एक एक करके हमारे साथ जो सहयोगी और जगहों से जुड़े हैं, जिलों से जुड़े हुए हैं, उनसे हम रिएक्शन ले रहे हैं। जल्दी से रामपुर चल लेते हैं, वहां से विशाल सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद है। रामपुर से विशाल सक्सेना से रिएक्शन लेते हैं। विशाल, रामपुर की जनता ने भी अपने मुद्दे तय कर लिए होंगे, किन मुद्दों पर मतदान कल करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है, कल की तैयारियां यहां से कैसी की गई हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कल पहले चरण में रामपुर में मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी अपनी कर ली है। रामपुर का जो मेन मुद्दा रहेगा वो विकास का मुद्दा है, रामपुर में एक मेडिकल कॉलेज की ही है, साथ ही जो गवर्नमेंट रोजगार की यहाँ एक मेन समस्या है कि यहाँ रोजगार नहीं है, उसको लेकर के यहाँ जो है जनता जो है यहाँ को विकास को, रोजगार को, मेडिकल कॉलेज को और एक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को लेकर के, इन सभी चीज मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख करके जो वो मतदान करेगी। भाई अगर पार्टी की बात करें, या सपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के यहाँ पे मेन सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, वही आजम खान के समर्थकों ने उनका विरोध किया था। तो सपा के लिए एक बहुत चैलेंजेज है कि सपा अखिलेश यादव की यहाँ साख बनती है या आजम खान की, दोनों ही देखने की बात होगी, क्योंकि आजम खान का गढ़ है ये रामपुर। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा पे मोदी लहर, राम मंदिर और योगी को लेकर के जो मतदान किया जाएगा, वहीं विकास के मुद्दों को लेकर के मतदान किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जो जनता जो है जो मतदान करेगी, मतदान के बाद जब जो फैसला आएगा तो उसमें जो है रामपुर की जनता किसे सांसद चुनती है। फिलहाल यहाँ की जो मेन मुद्दे है, स्थिति पूरी तरह से साफ है विशाल, ये मुकाबला यहाँ सिर्फ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि इस बार तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी भी ताल ठोक रही है सारी सीटों पर, और इसके अलावा चतुर्कोणीय मुकाबला आप कह सकते हैं, पीडीएम भी इस बार यहां मोर्चा लेकर हाजिर है, जो खेल बिगाड़ेगा किसी का और खेल बनाएगा किसी का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ है, हल्द्वानी चलते हैं। शैलेंद्र नेगी, उत्तर प्रदेश में तो कल ये उत्सव मनाया जाना है, लेकिन उत्तराखंड की आप बात करते हैं तो कल पांचों सीटों पर मतदान हो जाएगा, बीजेपी के उन उम्मीदवारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस कैंडिडेट को चुनौती देने की, 2014 और 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ के बंपर जीत हासिल करने की। आप बताइए कल की तैयारियां कैसी की गई हैं, किस तरह से मतदान करने के लिए यहां के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं? ये है देखिए, उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं, क्योंकि आज बहुत ही क्रूशियल डे है, कल मतदान होना है और मैक्सिमम जो पोलिंग पार्टियां हैं पांचों लोकसभा क्षेत्रों की वो रवाना हो चुकी हैं। इस समय मैं हल्द्वानी में खड़ा हूं और हल्द्वानी का ही नजारा आपको दिखाऊं तो ये MPPG कॉलेज है और ये एक तरीके का सेंटर होता है और यहीं से जितनी पोलिंग पार्टियां हैं नैनीताल जिले की वो रवाना होती है। इसी तरीके का नजारा आपको हर जिले में, जो 13 के 13 जिले हैं उत्तराखंड के, वहां नजर आ रहा है और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं और कुछ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। नैनीताल जिले की बात करें तो यहां 900 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं और ये सब लोग EVM लेकर के या भी जो भी जरूरी सामान है वो सब लेकर
के निकल रहे हैं। यहाँ नीचे देखिए इनके पास अब सब कुछ आ चुका है, यानी वोटर लिस्ट आ चुकी है और ये सब चीजें मिल चुकी हैं। भाई साहब आपको क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं पोलिंग? सारा सामान मिल गया, ईवीएम मशीन मिल चुकी है, वी पैड मिल गया है, वोटर लिस्ट मिल चुकी है, सारा सामग्री प्राप्त होगी हमको, सारी सामग्री प्राप्त हो गई है। तो ये हमारी जो पूरी पोलिंग पार्टियां हैं इस तरीके से, ये इधर वीवी पैड रखा हुआ है, इधर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बहुत सारी, और ये क्योंकि मच्छर का समय होता है तो ये ऑल आउट मच्छर भी, इनको मच्छर मारक भी दिया गया है क्योंकि इनको सरकारी बिल्डिंग्स में वहां पे रहना होता है, तो आज रात ये वहीं ये लोग गुजारेंगे। और जो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने कई वीवीआईपी प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में उतारे हैं, मसलन बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी गढ़वाल से चुनावी मैदान में है, वहां उनका सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से है। नैनीताल में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनावी मैदान में है दोबारा से। इसी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां पर उनका वीरेंद्र रावत जो कि हरीश रावत के बेटे हैं उनसे सीधा सीधा मुकाबला है। टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह जो कि रानी तो हैं ही हैं, साथ ही कई बार की जो है सांसद रह चुकी हैं। इस तरीके से अल्मोड़ा की बात करें तो वहां पर अजय टमटा जो कि पूर्व में केंद्रीय राज्य कल का दिन पहाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल पहले चरण का मतदान होना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।